गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम. सो इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द एडिशन ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर ऑफ चैप्टर 1 बिल्डिंग द ब्रिक्स ऑफ योर मैथ्स बुक. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर. सो आज हम इस चैप्टर में मीटर एंड सेंटीमीटर का सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 11 मीटर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 25 मीटर 14 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन करते समय आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपकी जो लार्जर डिजिट होती है वो ऊपर आती है और जो स्मॉल डिजिट होती है वो नीचे की तरफ आती है. अब इस क्वेश्चन में इसकी लैंग्वेज देखिए. सब्ट्रैक्ट 11 मीटर्स 10 सेंटीमीटर, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 11 मीटर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 25 मीटर 12 सेंटीमीटर में से. आपको 25 मीटर 14 सेंटीमीटर में से 11 मीटर 10 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है. सो सेम जैसे हमने पहले सीखा है, हम इसमें मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम्स बनाएंगे. आपकी बड़ी मेजरमेंट 25 मीटर है तो आप 25 मीटर 14 सेंटीमीटर वाली मेजरमेंट ऊपर लिखेंगे और छोटी मेजरमेंट को आप नीचे लिखेंगे. सेम आपने जैसे सब्ट्रैक्शन अब तक सीखे हैं, आप सिंपली सब्ट्रैक्ट इनको करेंगे. सो फर्स्ट सेंटीमीटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. देन मीटर में 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. सो द आंसर इज 14 मीटर 4 सेंटीमीटर. 04 मीन्स 4 सेंटीमीटर, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आप सीखोगे कि बोरो वाले क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है. तो सेकंड क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 13 मीटर 31 सेंटीमीटर फ्रॉम 75 मीटर 12 सेंटीमीटर. आपको 75 मीटर 12 सेंटीमीटर में से 13 मीटर 31 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है. सो द फर्स्ट स्टेप इज आप इसमें कॉलम्स को बनाएंगे. कॉलम्स में आप सबसे बड़ी जो मेजरमेंट है उसको आप ऊपर और जो छोटी मेजरमेंट जिसको आपको माइनस करना है तो वो आप नीचे लिखेंगे. तो बड़ी मेजरमेंट आपकी थी 75 मीटर 12 सेंटीमीटर एंड द नेक्स्ट 13 मीटर 31 सेंटीमीटर. आप इसको सिंपली माइनस करेंगे. 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 3. तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी जो डिजिट आपको दी गई है वो छोटी है और जो माइनस करने के लिए बोला गया है वो आपकी बड़ी है. सो क्या करते हैं कि हम अपनी लेफ्ट वाले डिजिट में से बोरो लेते हैं. तो यहाँ पर लेफ्ट की डिजिट कौन सी है? 5. तो आप इसमें से बोरो लेंगे. जब आप इसमें से 1 बोरो लेंगे तो ये 1 आप चेंज होकर के न्यू डिजिट 11 हो जाएगी. और यहाँ पर आपने एक बोरो दे दिया था तो एक इसमें से माइनस हो जाएगा. 5 में से आप 1 माइनस करेंगे तो न्यू डिजिट यहाँ पर क्या हो जाएगी? 4. नाउ 11 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ पर 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 एंड 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6. तो द फाइनल आंसर इज 61 मीटर 81 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी और आप घर में और भी इसी तरह के सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू सो मच.